नमस्कार, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, राज ठाकरे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद पूरे देश में आग के जैसे फैल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही योगी बाबा ने इस आग पर अपनी नीति का ऐसा वरुणास्त्र चलाया कि यूपी में यह आग बिल्कुल शांत हो गई। जी हाँ, जो लाउडस्पीकर विवाद पूरे देश के लिए सिरदर्द बन चुका था, उसकी योगी बाबा ने ऐसी तरकीब निकाली कि पूरे देश में योगी मॉडल की तारीफ हो रही है। यही नहीं, मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए। उन्होंने योगी मॉडल की तारीफ करते हुए उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है खबरों का सटीक विश्लेषण। तो दोस्तों, लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसा और उन्हें भोगी बता डाला। राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी हैं। मैं ईश्वर से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने ही की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद यह विवाद महाराष्ट्र से यूपी तक पहुंच गया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर उतारने का आदेश देते हुए कहा कि यदि कहीं लाउडस्पीकर बज भी रहा है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यूपी में करीब 22,000 अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 42,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कर दी गई है। हालांकि दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।